Hello dear students, I welcome you all in today's session. Today I am going to read for you your poem number 6 in your 6th class course book. The title of the poem is The Wonderful Words and the poet here is Mary O'Neill. This poem is written by Mary O'Neill and the name of the poem is The Wonderful Words. Imagine a world without language. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. आपको प्री रीडिंग में बताया गया है कि आप एक ऐसे संसार की इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए जिसमें लैंग्वेज ना हो. इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? सभी ह्यूमंस कोई ना कोई भाषा जरूर बोलते हैं. बहुत सारी भाषाओं का अस्तित्व है इस दुनिया में. सभी लोग कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसी न किसी भाषा का, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं. और क्या भाषा का कोई अस्तित्व है बिना शब्दों के? क्या आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं बिना शब्दों के? इस पोएम को जो वर्ड्स के बारे में लिखी गई है इसको पढ़ते हैं. नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर व्हाट वांट ऑफ अ वे टू से इट फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि आप किसी भी विचार को मुरझाने, सूखने, डाई होने मत दीजिए. किसी भी अपने विचार को मरने मत दीजिए, क्योंकि जो कहने की इच्छा है वो बहुत अच्छी होती है. जो कहने की इच्छा होती है, प्रकट करने की इच्छा होती है, उसको खत्म मत होने दीजिए, उसको समाप्त मत होने दीजिए. इंग्लिश एक बहुत ही वंडरफुल गेम है. इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और आपको इस गेम को खेलना चाहिए. किस गेम को खेलना चाहिए? अपने विचारों को भाषा में, शब्दों में ढालकर प्रकट करने के इस गेम में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड. आपको बस क्या करना है, जो आपके सबसे ब्राइटेस्ट थॉट्स हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, बस आप उनको शब्दों के साथ मिला लीजिए. अपने सबसे अच्छे ब्राइटेस्ट थॉट्स को आप लैंग्वेज दीजिए, उनको वर्ड्स दीजिए इन योर हेड जो आपके दिमाग में आ रहे हैं. सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि वो साफ साफ स्पष्ट रूप से सच्चाई से उभर कर आ सकें. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड, और वो बहुत सुंदर से ग्रूम करें, बड़े फले फूले. एंड फेड फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, और वो फेड हो सकें बहुत सारी लवलीस्ट चीजों से जो पहले कभी भी नहीं कही जा चुकी हैं. हर व्यक्ति के अंदर कुछ निराले, कुछ अद्भुत विचार आते हैं. सबकी सोच अलग अलग होती है, तो उन विचारों को आपको भाषा देनी चाहिए ताकि उन अच्छे विचारों से दूसरे भी शिक्षा ले सकें, वो दूसरों तक भी पहुंच सकें. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले कही नहीं गई हैं, और यदि आप उनको कह देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. यहाँ पर बताया गया है कि वर्ड्स क्या हैं, वो आपके विचारों का फूड हैं और ड्रेस हैं. यदि आपके पास विचार तो हैं लेकिन आपके पास वर्ड्स नहीं हैं, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है. दे आर मीनिंगलेस, उनका कोई अर्थ ही नहीं है. वो आपके थॉट्स के क्या हैं? वर्ड्स फूड हैं, खाना है, और उसकी ड्रेस हैं. वही उसको एक पूर्ण रूप देते हैं. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग. आपके विचारों को वर्ड्स क्या देते हैं? बॉडी देते हैं, उनको एक शरीर देते हैं, और फिर वो स्विंग करते हैं, झूलते हैं. एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग. और हर कोई इच्छुक है इस बात का, हर किसी की ये लालसा है, मन में इच्छा उभरती है आज कि वो कुछ फ्रेश अच्छी चीजें सुने. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज. लेकिन शब्द ही हैं जो आपके दिमाग के पीछे प्रिजन में, जो आपके विचार दबे पड़े हैं आपकी आंखों के पीछे, उनको निकालने का जो जरिया है, जो चाबी है, वो आपके वर्ड्स हैं. मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वलस न्यू सरप्राइज. और हो सकता है आपके दिमाग में अब भी कोई शानदार सरप्राइज छिपा हो, कोई शानदार विचार छिपा हो. तो किस बात की देरी है, अपने विचारों को शब्द दीजिए और सबके सामने अपने विचारों को प्रकट कीजिए वंडरफुल वर्ड्स के थ्रू. Thank you for watching.